कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। हर बीमारी और हर परेशानी से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मेरे पास एक और बहुत मज़े की रेसिपी है। ये रेसिपी है जनाब ग्रीक सैलड की। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ग्रीक सैलड। इसको बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी वो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे है लेटस, इटालियन ड्रेसिंग है, आप कोई सी भी सैलड ड्रेसिंग ले सकते हैं। ऑरिगानो चाहिए होगा, ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स हैं, फेटा चीज़, चेरी टोमेटोज़ हैं, हम दूसरे भी ले सकते हैं, कैप्सिकम, लेमन, अनियन, क्यूकम्बर, दैट्स इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लेटस से कट कर लेते हैं। ये मेरे पास चेरी टोमेटोज हैं, दूसरे हैं तो हम दूसरे ले लेंगे। कलरफुल से बनाएंगे हम इसमें, रेड और ग्रीन दोनों कैप्सिकम डालें। अगर आपको येलो वाली मिल जाए तो वो भी आप डालें, बहुत कलरफुल से बन जाएगी। तो थोड़ी सी ग्रीन कैप्सिकम भी ऐड कर लेते हैं। बारीक बारीक स्लाइस कर लें। खीरा डाल लेते हैं। सारी वेजिटेबल हमने कट कर लिए, अब इसको बॉल में मिक्स कर लेते हैं। सारी हमने सब्जियां इस बॉल में डाल ली। अब जो है इसमें मैं ये फेटा चीज़ है मेरे पास, ये मिक्स करूँगी, फेटा चीज़। इसे कट कर लेते हैं, ये मेरे पास है, इसको हम क्यूब्स में कट करेंगे। फेटा चीज़ कट किए, ये डाल लेते हैं। इसके बाद हमारे पास ये ऑलिव्स है, ब्लैक ऑलिव, ये ऐड करेंगे। ये मेरे पास ब्लैक ऑलिव्स है, ये इसमें डाल लेते हैं। अब ये ड्रेसिंग है, ये इसमें डाल लेंगे। अगर आपके पास ड्रेसिंग नहीं है तो थोड़ा सा विनीगर, सॉल्ट,
और थोड़ा सा ऑरिगानो ये मिक्स करके ना ये भी आप डाल सकते हैं। थोड़ा सा ये लेमन जूस है ये ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे। अभी मेरे पास ऑलिव ऑयल है ये इसमें ये ऐड करेंगे थोड़ा सा, फिर ड्रॉप से ऑलिव ऑयल इसके डाल लेंगे। मिक्स कर लेंगे। आपकी मेरे पास यहाँ पे ऑरिगानो है ये थोड़ा सा डाल लेते हैं। बहुत मज़े की ये बनती है और हेल्दी तो है ही, तो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। अल्लाह हाफिज़।